कैथल में कलायत के वार्ड नंबर 2 में चल रही लगातार सीवरेज की समस्या को लेकर लोग काफी परेशान हैं। इसी समस्या के चलते आज वार्ड के लोगों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के जेई अजय ढुल के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। वहीं बाढ़ के लोगों ने बताया कि सीवरेज ओवरफ्लो होने से घरों में बुरी तरह से बदबू फैल गई है और इसी के चलते काफी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। बता दें कि इस प्रकार से बदबू फैलने के कारण एक लड़की बीमार हुई थी जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। वार्ड नंबर 2 के लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के जेई अजय ढुल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि हम लगातार जेई के पास जा रहे हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं वार्ड के लोगों ने जेई पर यह आरोप भी लगाया कि जेई ना तो फोन उठाते हैं और ना ही इस विषय में किसी तरह की कोई भी बात करते हैं। उधर जब इस मामले के बारे में मीडिया द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के जेई अजय ढुल से फोन पर बात की गई तो उन्होंने मीडिया पर अपनी पूरी भड़ास निकाली और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। जब वह अधिकारी मीडिया से अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो आमजन के साथ कैसे बात करते होंगे इसका अंदाजा भली भांति लगाया जा सकता है। वहीं जब इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के SDO सुरेंद्र दलाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। खड़िया नहीं, हमारे घर वीडू पे पड़े हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम भी बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम हो रहे हैं सबके। हम कड़ा जावा आपस में हमारी लड़ाई बच जाए, सबके नक्के लग रहे हैं, कोई नहीं लिखण देता। हम भी इतना डूबने वाला काम हो रहा, हमारा कोई सुनाई नहीं करता। आम है मड़ा डंडा मारा भैज जी है, कोरोना का टाइम है, कोरोना का टाइम है, जब हमारा बीमारी बढ़ती है हमें कौन संभालेगा। गरीब आदमी हम पीछे करते ले आवागे, इतने कड़ा तो लावागा हम, इतने मना दाड़े भी लेने मुश्किल हो रहे हैं। बीमारी में दस दस होगा हमारा, हम कड़ा जावागे वह दिन भीतर। मेरी लड़की मरी है, मेरी पति मरी हुई है, दुनिया देश आना वाला, हम कड़ा बिठाओगे उन्हें बीमारी की वजह से, कहाँ बिठाओगे बीमारी के लिए। कड़ा ठे मर मर काम है, कौन बैठेगा मेरी पति ना, कौन रोवेगा बीमारी में, क्या रखे हो या के ना हो या उम्र की। कोई भी नहीं बंदी लाओ अपने सारे सारे खेतों ने बंदी ला रखी है, मारा पानी बना खड़ा सारा कड़ी को, मारा गाड़ी दे मानते जाते थम जाओ हम के करो। पार्षद समस्याओं को लेकर जी ऐसा है, मुझे पार्षद बने हुए 2.5 साल से ऊपर हो चुका है और मैं इस मरतबा जो सीवरेज की समस्या है पूरे मेरे वार्ड के साथ साथ पूरे शहर में ये समस्या है और मैं अधिकारियों को काफी बार इस स्थिति से अवगत करा चुका हूँ। कम से कम 50 बार मैं फोन पे भी और कम से कम 8-10 बार मैं पर्सनली मिलकर भी, जो यहाँ पर स्टाफ है अजय ढुल जेई साहब हैं वो पिछले 1 महीने से लगातार मैं कई बार उनको कॉल करने का प्रयास कर चुका हूँ, उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर चुका हूँ लेकिन उन्होंने मेरी कोई फ़ोन कॉल का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। और ये जो वार्ड की जो आम पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए आप कैसे ये जो पानी इकट्ठा हुआ है इससे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ पनप रही हैं और अभी अभी एक बच्ची की 8 से 10 दिन पहले इस बीमारी के कारण मौत भी हो चुकी है। प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और जो हमारी आदरणीय मंत्री जी हैं उनसे भी काफ़ी समय काफ़ी बार जो उनकी मीटिंग होती थी, अब तो ये कोरोना काल में कोई उनसे मिलने का संपर्क नहीं हो पा रहा है मेरे वार्डवासियों का। उन्होंने भी कई बार इस स्थिति से अवगत उनको करवाया है लेकिन जो भी PWD विभाग है, जो उनके कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण, स्वास्थ्य विभाग है उनकी लापरवाही के कारण इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये जो समस्या है ये एक जगह की नहीं है, ये मेरे पूरे वार्ड में कम से कम 15 जगह की ये समस्या है जो अलग अलग स्थानों पर देखने को आप देख सकते हैं, वहाँ से लेकर वहाँ तक सारी ही सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। मैं परेशान तो इसी समस्या से, मैं हैरान हूँ जब हमारी नहीं जो कोई सुनवाई कर रहा है तो ये आम पब्लिक क्या करेगी। ये सरकार को इसकी तरफ उचित ध्यान देना चाहिए और जो अधिकारियां जो लीपापोती कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनके ऊपर ठोस एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से और सख्त कार्रवाई करके जो इस समस्या है इसको सोल्यूशन करवाना। तो कब अभी समय पहले ये पाइप यहाँ से जो सीवरेज व्यवस्था थी ये लगभग ये कांग्रेस के समय से ही थी जब ये डाली गई थी लेकिन उसके बाद भी काफी अच्छे से सुचारू रूप से चल रही थी लेकिन आज से मेरे को तो देखिए कम से कम 3 वर्ष का समय हो चुका है। 3 वर्ष में मैंने जो समस्या देखी है एज इट इज है, ये इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। जो कर्मचारी हैं वो लीपा पोती करके चले जाते हैं, अगले दिन सेम यही समस्या फिर दोबारा जब कलाए से और भी अधिकारियों ने मंत्री जी ने भी काफी निर्देश दिए लेकिन जो लापरवाही है ये जन स्वास्थ्य विभाग की मैं कहता हूँ पूरी पूरी लापरवाही है, वो इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहे हैं, लगातार पब्लिक को परेशान करने का वो कार्य कर रहे हैं। मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से और आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से यही और ये हमारी जो यहाँ से विधायक है श्री कमलेश डांडा जी से यही मेरी अपील है कि इन जो अधिकारी हैं जो लीपा पोती करने का काम कर रहे हैं, जो जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ठोस एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि जो समस्या है जल्द से जल्द समाधान इसका हो जाए और पब्लिक को कोई परेशानी।
मैं वार्ड नंबर दो का स्थायी निवासी ब्रह्मपाल राणा, हमारे बार के आगे यहाँ केडी बोरे गेट के आगे यहाँ सीवरेज नीचा है, इसका सीवरेज का गंदा पानी सारा घरों में भरा खड़ा है। हमारे सभी बच्चे बीमार है, हम सब इससे बहुत परेशान है। अब भी गोडा गोडा पानी यहाँ मकानों के आगे खड़ा है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। कई बार बच्चे इसमें गिर लिए, बच्चे बीमार हो चुके हैं, बच्चे इसके अंदर गिरते हैं, कई बार बच्चों को घर से उठाने के लिए भाज के आना पड़ता है। हमें इतने परेशान है कि इस सीवरेज की कोई निकासी नहीं है और घर के आगे पानी खड़ा है। कई बार अजय जी को से संपर्क कराया, वो फोन ही नहीं उठाता, किसी की सुनता ही नहीं, ना फोन उठाता, उसके पास जाओ ना माना दफ्तर में पाता। हम तो उसको कह के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब भी हमारे बार के आगे गंदा पानी भरिया खड़ा है, ना तो टूंटी का पानी साफ आंदा और सीवरेज का तो पानी मकानों के आगे जमा भरिया खड़ा है। इसलिए मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अगर इस समस्या का हमारा कोई समाधान नहीं होगा तो करण की वाह हो रही है और कुछ नहीं है। उसको ऐसा कुछ नहीं है कि उसने तो नू है, बस कोई भी छोटा मोटा काम हो बगैर पैसे का क्लात के अंदर, क्लात ब्लॉक के अंदर तो हो नहीं रहा है। छोटे से छोटा काम भी इसको भी नू सोचा है जनो माना पीछे मिल जाए, और जेई वर्गा तो अगर भी माना पीछे मिल जाए और फिर इस समस्या का निदान करेंगे। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसे उसको देने के लिए लाएंगे, तो हम तो अपने बच्चों को पेट पालने के लिए नहीं समाधान हो रहा है, तो हम उसको देने के लिए कहाँ से रुपये लाएंगे। शिकायत की समस्या है, कहीं भी किसी गांव में जाकर देखो सब सीवरेज बंद पड़े हैं, कोई सीवरेज की सफाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है। दो साल से पर्ची भी मेरे पास कल की रिपोर्ट लिख रखी थी, परसों की लिख रखी थी, उसमें न जवाब दे लूंगा, फोटो नहीं कैंसिल देंगे मोबाइल में। अच्छा, बच्चे लिखने गए थे, गुड़िया की डेथ हो गई थी, ये फोटो कैंसिल नहीं लूंगा, इस पे करवा लूंगा, इसने लिख के ले जो, ठीक है, कल की करवाई थी मैंने, कल की मेरे मोबाइल में है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।